नमस्कार आप सभी को। तो आज हम देख रहे हैं फ्रेंच चोटी विद ज़िगज़ैग पार्टीशन। उसके लिए हम क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बिठाएंगे। अगर बाल अलझे हुए हैं तो उसको सुलझाएंगे। किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए बाल धुले हुए होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए और उसमें तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्रेंच चोटी बनाने के लिए हम अलग आगे की तरफ से एक बालों का हिस्सा दोनों तरफ टेल कॉम की हेल्प से पार्टीशन करते हुए, सीधा पार्टीशन करते हुए अलग कर लेंगे। फिर टेल कॉम की हेल्प से पिछले हिस्से से ज़िगज़ैग शेप देते हुए हम ज़िगज़ैग पार्टीशन करेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी टेल कॉम की हेल्प से ज़िगज़ैग शेप देते हुए हेयर में पार्टीशन करेंगे। ये इससे एक न्यू लुक क्रिएट होगा और किसी छोटे फंक्शन में हम एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। यंग गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लगता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अब कर लिया है ज़िगज़ैग पार्टीशन। इसके बाद हम ऊपर के जो हमने पार्टीशन करके हिस्सा अलग किया है उसे हम अलग करेंगे और नीचे के बालों को हम रबर बैंड की सहायता से अलग कर लेंगे ताकि सारे हेयर मिक्स ना हो। इसके बाद हमने जो हिस्सा ज़िगज़ैग पार्टीशन के द्वारा अलग किया है उसमें आगे की तरफ से थोड़े से बाल लेते हुए हम बालों को तीन भागों में डिवाइड करेंगे और सिंपल चोटी बनाते हुए उसमें साइड बाय साइड पार्टीशन ऐड करते हुए हेयर का कुछ हिस्सा ऐड करते हुए दोनों तरफ से फ्रेंच चोटी बनाते हुए उसे पीछे तक लेकर आएंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये देखिए एक नया और एक बहुत सुंदर लुक क्रिएट होगा। आप इसे पार्टी वेयर लुक भी दे सकते हैं। यंग गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच।